दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना देश से बेरोजगारी दूर करने में कितनी क्रांतिकारी मुहिम साबित हुई है, इसे नजदीक से समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं विकास में दूसरे नंबर पर आने वाले राज्य झारखंड के उस कौशल विकास केंद्र में, जिसे राज्य के उत्कृष्ट कौशल केंद्र के रूप में नवाजा गया है। 700 से अधिक युवाओं को एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता वाले इस केंद्र का प्लेसमेंट 100% है और पिछले बैच के सभी युवा अच्छे संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं। 3 महीने के बच्चे ट्रेनिंग के बाद हम लोग उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी कंपनी का डिमांड रहता है उसके अनुसार हम लोग इन बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। युवाओं को यहाँ फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर समेत कई दूसरे रोजगार परक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल जाती है। यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली नॉलेज दिया जाता है, जो हम लोग कोई भी प्लांट या कंस्ट्रक्शन लाइन में जाके हम काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और इसको सीखने के बाद हमें बहुत अच्छी तरह से रोजगारी प्रदान होती है। बिजली के बारे में कुछ नहीं आता था, अभी बहुत कुछ आने लगा है, जो अपने घर में भी वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ कई युवा ऐसे भी हैं जो अपनी एकेडमिक पढ़ाई जारी रखते हुए पार्ट टाइम कोर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। छात्र बताते हैं कि देश में पहली बार युवाओं को ऐसा सुअवसर मिला है जब उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। ये युवा केंद्र सरकार का आभार मानते हैं कि अब उन्हें नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह लिया है, मैं इसके साथ अपना पढ़ाई भी जारी रख सकता हूँ। स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाने के कारण युवा लगातार पलायन करते रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना इस पलायन को रोकने में एक मजबूत दीवार साबित हो रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।